हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसे कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाएं और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसे परम शक्ति आप हमें दें। जय सच्चिदानंद। दिव्या। हे दादा भगवान, हमने आपके बच्चे, दिल के है सच्चे, दिल के है सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। थैंक यू दिव्या बहन। कीर्तन भाई, हरि भाई, एक मिनट जरा। ओके, आप किधर जाके आए? आप मतलब आप गए थे ना बाहर गांव? हाँ, बड़ौदा गए थे। अच्छा, बड़ौदा गए थे। किधर गए थे बड़ौदा में? बड़ौदा में केलनपुरी गए थे। हाँ, तो इसमें से क्या आपको कैसा लगा? क्या आप केलनपुर से लेके आया हो, जरा बताइए। हम कभी किसी को दुख देंगे तो हमें दुख मिलेगा, और सुख देंगे तो सुख मिलेगा। और ओ वेरी गुड, वो तो ठीक है, बाद में याद करने का। ओके, ओके। हरि भाई। आप क्या सीख के आए? याद नहीं आओ बोलो। आपने ड्रामा में क्या किया था वो जरा बताओ। क्या ड्रामा में आपने क्या किया था वो बताओ। भवनी भवाई की थी। या तो एक बोलो, क्या क्या सीन किया था? इतले बोल तारी स्क्रिप्ट। भवनी भवाई या तो भवनी भवाई, भवनी भवाई या तो भवनी भवाई। और नारी वेरी गुड। और कीर्तन भाई, आपने ड्रामा में क्या किया था बताओ। मैंने छोटों का रोल किया था, मतलब घर में जो काम वाला होता है उसका रोल किया था मैंने। और मुझे, मैं अभी बोलूंगा दो तीन लाइन। जब घर के मैम साहब मेरे को कहते हैं कि एक ग्लास पानी लेकर आ, फिर मैं बोलता हूँ कि लेकिन मैम साहब पानी कौन सा लाओ, गर्म पानी, ठंडा पानी, मटके का पानी? या फिर वो कहते हैं मटके में से एक ग्लास पानी लेकर आ, फिर मैं पानी लेता हूँ। फिर मेरे को कहते हैं कि दो कप चाय बनाकर लेके, फिर मैं कहता हूँ लेकिन मैम साहब आपने ये नहीं बताया कि कौन सी चाय बनानी है, दूध वाली चाय, पानी वाली चाय, हरी वाली चाय या ठंडी वाली चाय। फिर उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी आधा पानी और आधा दूध वाली चाय बना के जल्दी जल्दी जा, जल्दी जल्दी बनाकर जल्दी जल्दी लेके आ। फिर मैं जल्दी जल्दी आता हूँ तो चाय ट्रे में गिर जाती है। फिर वो कहता है कि हम इस ट्रे में जो चाय है उसको बिल्ली की तरह चाट चाट के चाय पियेंगे। फिर मैंने बोला
कि लेकिन मैम साहब आपने ही तो बोला था ना जल्दी जल्दी लाना, इसलिए मैं दौड़ते दौड़ते चाय लेके आया। फिर कहते हैं कि ठीक है ये सामान अंदर रख दे और घर का सब काम निपटा दे। फिर मैं रखने जाता हूँ, फिर मुझे विचार आता है कि ट्रे में जो चाय है उसका क्या करूँ। फिर वो बोलते हैं कि तेरे सर पे डाल, तो मैं सच्ची में अपने सर पे डाल देता हूँ चाय। वेरी गुड, बहुत आपने बहुत कहा, वेरी थैंक यू। ओके मैं एक भूल गया, थैंक यू दीपक दादा। शिनाई सेपरेशन प्रेयर गुजराती। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, तमे जुदा छो मुनिका जुदी छे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, तमे वेद छो मुनिका वेद छे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, तमे परमानेंट छो मुनिका टेम्पररी छे। जय सच्चिदानंद। दक्ष हां बोलिए आप हिंदी में। हे दादा भगवान, हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आपका भूत अच्छा लगे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, डॉक्यूमेंटेड है। जय सच्चिदानंद। नवनीत दीदी। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हैं, निधि अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हैं, नवनिधि रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट है, नवनिधि टेम्पररी है। वेरी गुड, जय सच्चिदानंद। ओके अब बच्चों लोग, कभी किसी ने पोस्ट नहीं किया है, वो दो होमवर्क किया था भरत दादा का और शैलेश दादा का, प्लीज प्रेयर और छोटा छोटा साथ में क्या होता है वो जरा प्लीज सब्सक्राइब करने का। ओके सारा वीक ओके, किसी ने नहीं किया है। ओके किधर भेजा आपने? मैंने आपके नंबर पे हमको भेजा है। हाँ ओके, मेरे को देखना पड़ेगा। ओके ओके ओके, तो हम थोड़ा ये चार पांच दिन में कैसा रहा है यस नो गुरु जी का वो जरा चेक कर लेंगे। ओके चिनाई। जय सच्चिदानंद, मुझे इस वीक में मैंने अपनी मम्मी के साथ मैंने कुछ आर्गुमेंट नहीं की थी, बस एक बार एक आर्गुमेंट कल हुई थी क्योंकि मम्मी ने मैंने खाना टिफिन में आधा छोड़ दिया था क्योंकि मेरा टाइम हो गया था खाने का, तो स्कूल में तो मम्मी ने कहा कि आज तुम सही ढंग से पूरा खा के आना, तो मैंने आज भी थोड़ा छोड़ दिया था मम्मी को, मैंने सॉरी बोल दिया और प्रतिक्रमण भी किया था। मम्मी के साथ मैंने कुछ आर्गुमेंट नहीं की थी और पापा के साथ भी नहीं। वेरी गुड, गुड प्रोग्रेस। आपने कितना बातें किया? मैंने पूरे दिन आज मम्मी के साथ में 5 times की थी, पापा के साथ 2 times। नहीं नहीं ऐसे आपके बोलने का कम करने का है ना, आपको बोलने का कम करने का है ना, ऐसे कैसे सर? मेरी वीकनेस, पहली वीकनेस ये थी कि मुझे बोलना कम है, तो आज मैंने इतना ज्यादा नहीं बोला। ओके वेरी गुड। छोटी दीदी। जय सच्चिदानंद, इस बीच मैंने नाने खाता। क्या बात है, आप क्या खाते हैं तो अच्छा हो गया खुशी। जय सच्चिदानंद, आपका स्टडी का कैसे चल रहा है? स्टडी का अच्छा चल रहा है। नहीं 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 छोटी छोटी दीदी को। ओके ओके खुशी। इस छुट्टी में मैंने 22 times बोला था मम्मी पापा को और मैंने 10 times बोला था। ना कितनी दफा बोला था? 10 times पूरी छुट्टी में। तो एवरीडे दो दो दफा ना बोला?
तो पांच दिन में दस हो जाता है ना। हाँ मेरे को मैथ नहीं आता है, आपको तो अच्छा आता होगा। ओके खुशी नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद, मैंने हफ्ते में आर्गुमेंट भी नहीं किया था और नो भी नहीं बोला था। अब क्या खाते हैं सबको, जो आप खाते हैं सबको बताओ, वो खाएंगे हम सब। के कीर्ति जी। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मम्मी पहले गुस्सा किया था पर आज मम्मी पर मैंने एक भी बार गुस्सा नहीं किया है और ना भी आज नहीं बोला है मैंने मम्मी को। क्या बात है, और कलनपुरी जाके आपका साफ कर रहा आया, सब साफ करके आया दादा के पास। हाँ वेरी गुड। दक्ष, आज मैंने इस वीक में मैंने मम्मी के साथ एक बार आर्गुमेंट किया था। क्यों? मुझको आइसक्रीम खानी थी। ओ खानी थी, ओ खाने को आपको प्रॉब्लम है। ओके इताक्षी बा। जय सच्चिदानंद, मैंने मम्मी पापा का आर्गुमेंट भी नहीं किया है और मैंने नो भी नहीं बोला है। क्या बात है, सब सबको अभी कलनपुरी जाना पड़ेगा, और चेन्नई वालों एक वीक चेन्नई कलनपुरी जाना पड़ेगा। खुशी। जय सच्चिदानंद, मैंने भी मेरे गुरु को नो नहीं बोला है और आरती भी नहीं किया था। वेरी गुड। ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद, ये आइसक्रीम वाली जो बात आई कि दक्ष, हाँ हाँ आप आइसक्रीम खाने गए लेकिन दुकान बंद निकली तो क्या करेंगे आप? आइसक्रीम खाने गए लेकिन दुकान बंद थी तो क्या करेंगे? हाँ बाद में खाऊंगा। अरे दुकान बंद थी, बंद हो गई थी तो क्या करेंगे? मैं नहीं खाऊंगा। वापस आ जाओगे ना? तो जब मम्मा ना बोलते हैं तो आपको अंदर से समझ लेने के कि दुकान बंद है, तो फिर मम्मी के साथ आर्गुमेंट होगा? नहीं। लेकिन मम्मी के साथ आर्गुमेंट करने से हमें नुकसान थोड़ा होता है कि बहुत होता है? बहुत होता है। तो ये आर्गुमेंट करने से ऐसा समझ लो कि दुकान बंद हो गई तो हमारा मन बिगड़ेगा नहीं, आर्गुमेंट होगा नहीं ना? नहीं। तो इस तरह से हमें लाइफ में समझ कर कोई भी परिस्थिति का समाधान ढूंढ लेना है। हमें लगता है कि मम्मा नहीं देती है लेकिन दुकान बंद है, दुकान बंद हो गई तो हम किसके साथ आर्ग्यू करते हैं? मम्मी के साथ। हाँ अरे दुकान बंद हो गई तो किसके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे? किसी के साथ भी नहीं। हाँ किसी के साथ भी नहीं तो भी जैसे मम्मा ना बोलते हैं तो समझ लेना आज दुकान बंद है। ओके मम्मा थैंक यू, जय सच्चिदानंद, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ हमें ढूंढ निकालना है रास्ता कि जिसे हमारे मन को समाधान मिले और अंदर से किसी भी प्रकार की गुंजाइश कोई आर्ग्यूमेंट ना हो तो ये अच्छा है ना। हाँ। अब मम्मी के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, मम्मी को दोषी देखते हैं तो फिर अच्छा लगता है? नहीं। ये बात है, तो ये ऐसा रास्ता ढूंढ निकालना है। फिर ये खुशी को अनबेटेड 10 times उन्होंने मम्मा के साथ नो कहा, तो आई बिलीव प्रतिक्रमण तो किया ही होगा आपने। हाँ मैंने किया। फिर सुपर ब्रेंड योगा भी किया होगा? हाँ। नहीं गुरु बाजू में ना बोलते गुरु जी आपके? देखो सही गलत जो भी है आपको पता है, आप झूठ बोलेंगे तो आपको नुकसान होगा, सच बोलेंगे तो आपको फायदा होगा। ये है ना,
हम अपने मन से खेलते रहते हैं, झूठ बोलेंगे ना तो मन कमजोर होता जाएगा, लेकिन अगर हम सच बोलेंगे तो मन और भी बलवान होगा। तो हमें अपने मन के साथ ऐसे ढंग से रहना है कि वो बलवान हो, और मन की शक्ति है ना वो बहुत महत्व की है। समझ में आया? जो सही है गलत है वो आप ही जानते हैं, और जो सही है वो बता देंगे तो मन दूसरी बार गलत बोलना भी चाहेगा ना तो आप बोल नहीं पाएंगे, वो बोलेगा नहीं फिर, क्योंकि आप सही सही बता देते, उनको पता चल जाता अरे ये कुछ तो सब कुछ सही सही बता देती है। समझ में आया? लेकिन ऐसा बीच में अगर ऐसा मोनिका बोलती है तो आपको गुस्सा आता है थोड़ा थोड़ा अंदर से? हाँ, लेकिन वो सही बोली कि गलत बोली? ओके फाइन, डोंट वरी, आप दूर निकालो, हमारी गलती कोई बता दे तो हमें गुस्सा आता है, तो हमें समझ लेना है कि वो गलती ना करे तो अच्छा है ना। ऐसा है कि देखो एक करिश्मा है ना, वो ऐसा करेगी, वो गलत करेगी तो आप बोलेंगे नहीं क्या? उसी तरह से आपको खुशी के साथ रहना है, और खुशी अगर अच्छी हो गई तो आपके लिए अच्छा नहीं है। सो वो व्यू पॉइंट, वो समझ से डीलिंग करो। समझ में आया? यही सच्चिदानंद और खुशी ऐसे आओ, गुरु जी को मालूम पड़ता मांगता आपने क्या करते हैं नहीं करते। आप ये करते योगा सुपर ब्रेन, तो उसको बोलने का कम करते हैं देखो। ओके, ट्रांसपेरेंट होना मांगता है तो करेगा। और मीनाचांद जी, आर यू ओके विथ कनेक्शन? मीनाचांद जी ओके ओके ओके। आपने सुना बच्चे लोग का कैलनपुरी का एक्सपीरियंस? और मैंने पूरा नहीं सुना, मतलब दीपक जी को ही कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ओके 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 ओके, वेरी गुड। ओके तो अभी हरी और कीर्तन प्लीज, ये जरा होमवर्क शुरू करने का। ओके, और अभी क्या करेंगे दीपक जी? यार एक्चुअली ये लोग अभी यहाँ जन्म जयंती में आए, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो जो उन्होंने सीखा है ना, समझ में आया सीखा है, तो वो एक अपना नोट बना के अपने मैसेज में पोस्ट कर दे तो उनके लिए भी अच्छा होगा और दूसरों के लिए भी एक गाइडेंस मिल जाएगा। Okay, हो सकता है, हो सकता है रिया, आप लोग जो सीखे है गुरु पूर्णिमा ये जन्म जयंती में, तो आप लिखेंगे तो आपको याद भी रहेगा, और वो कभी भी आप पढ़ेंगे तो आपको रिमाइंड भी करवाएगा कि हमारी क्या गलती हो गई। और इस तरह से हमें लिखने के पीछे का कारण क्या है, व्हाट गेट्स ट्रैक गेट्स डन, ऐसा पता है ना? यस, वो ऐसा है। तो इस तरह से ये आप करते रहिए, और प्लीज प्लीज प्लीज, मैं मेरा अनुभव से बोलता हूँ कि ये सुपर ब्रेन योगा जिसे थोपू करणम बोलते हैं, वो अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। वो हमारी एक रिलीजियस एक्टिविटी है ऑफ asking apology from God through an activity, इस तरह से ऐसा करके करके करते हैं। But it is not just physical activity, it has a scientific effect on our body itself and our mind. तो ये करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। मुझे तो इतना फायदा होता है ना, मैं थक जाता हूँ, मन बोलता है नहीं आज नहीं करना, तब मैं और भी ज्यादा करूँ, ना बोलेंगे तो 11 times more।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके श्रेया आपका साउंड है आ रहा है? यस यस ओके ओके। तो अभी मिनट ज्यादा हम पद सुनेंगे।